Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, S.S. Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the important criteria of qualitative research, in which this time I am going to discuss reflexivity in qualitative research. Means, गुणात्मक अनुसंधान में reflexivity का क्या मतलब है? तो वैसे गुणात्मक अनुसंधान पर आपसे बात हो चुकी है, लेकिन फिर से एक क्विक रीकैप लेते हैं गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है. तो क्वालिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन कंटेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिविटी, रिप्रेजेंटेशन एंड दी नॉन न्यूट्रैलिटी ऑफ द रिसर्चर. देखिए खासियत क्या है, नॉन न्यूट्रैलिटी, यानी कि रिसर्चर यहाँ पे न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकता है. जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में बात की जाती है, मात्रात्मक परिमाणात्मक अनुसंधान में बात की जाती है कि आपको न्यूट्रल रहकर जाना है, आपका सेल्फ उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए. इसके विपरीत जो गुणात्मक अनुसंधान है वो अपना फोकस रखता है कंटेक्स्ट पर, किस संदर्भ में बात हो रही है, हमको अर्थ निकालने हैं, इंटरप्रिटेशन करना है, सब्जेक्टिविटी, हमारा सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व होना है और प्रतिनिधित्व करना है. ये डेंजिन और लिंकन गुबा की जो किताब है उनसे कोट लिया गया है. फोर फिलोसॉफिकल अजम्पशंस इन्फॉर्म क्वालिटेटिव रिसर्च. चार तरीके के जो आपके दार्शनिक इसकी मूलभूत मान्यताएं हैं जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च बनाती हैं, कौन कौन सी? ऑन्टोलॉजिकल, इपिस्टेमोलॉजिकल, एक्सियोलॉजिकल एंड मेथोडोलॉजिकल, है ना, जिस जैसे फिलोसफी की शाखाएं कही जाती हैं. तो ऑन्टोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ ऑन्टोलॉजी, हाउ यू अंडरस्टैंड रियलिटी, यानी ऑन्टोलॉजी का मतलब है कि हम जो यथार्थ है उसको किस प्रकार समझते हैं. तो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स इम्ब्रेस मल्टीपल रियलिटीज एंड ट्रूथ. जो गुणात्मक अनुसंधान करता है वो ये मानकर चलता है कि जो यथार्थ है वो बहुगुणा हो सकता है, बहुत तरीके से और यथार्थ को और सत्य को देखा जा सकता है, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स. यानी कि रिसर्चर का एक ट्रूथ हो सकता है, एक पार्टिसिपेंट का हो सकता है, एक रिसर्चर के लिए रियालिटी होगी, एक पार्टिसिपेंट के लिए होगी. एंड सी दिस इज अ सेंट्रल स्टांस ऑफ बींग एंड ऑफ रिसर्चिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस. क्यों? क्योंकि आप मनुष्य के अनुभवों पर अनुसंधान करने जा रहे हैं कि मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे हो, कैसे उसका अस्तित्व का क्या अर्थ है, ये सारी बातें. फिर इपिस्टेमोलॉजी में हम क्या देखेंगे, हाउ यू व्यू एंड गेन नॉलेज एज वेल एज नो व्हाट यू नो. मतलब कि हम ज्ञान को किस प्रकार देखते हैं, ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ यू नो व्हाट यू नो, जो हमको पता है वो हमको कैसे पता है या कितना पता है ये देखना. तो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स कंटेंट दैट नॉलेज इज डेवलप्ड फ्रॉम इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस. यानी गुणात्मक अनुसंधानकर्ता जो है वो ये मानकर चलता है कि ज्ञान का जो विकास हुआ है वो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों से निकला है, है ना, सबका अपना अपना सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व है. एक्सियोलॉजी यानी कि आप किसको मूल्य देते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स आइडेंटिफाई, एक्नॉलेज एंड रेकन विद देयर वैल्यूज एंड बायसेस एज वेल एज दोज ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड टू सी हाउ दीज वैल्यूज एंड बायसेस ये दो बार हो गया, एंड टू सी हाउ दीज वैल्यूज इन्फ्लुएंस द रिसर्च प्रोसेस एंड प्रोडक्ट. यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे कुछ मूल्य होंगे, कुछ पार्टिसिपेंट के मूल्य होंगे, और वो मूल्य और वो जो बायस है जिसके लिए हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं वो कैसे रिसर्च प्रोसेस और प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करता है. एंड विद रिस्पेक्ट टू मेथोडोलॉजी योर अप्रोच टू रिसर्च एंड द रिसर्च प्रोसीजर्स यू यूज. मेथोडोलॉजी का मतलब कि हम अनुसंधान को किस उपागम से देख रहे हैं, किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए, और कौन से रिसर्च प्रोसीजर हम यूज करेंगे, वो सब मेथोडोलॉजी में आ जाएगा. तो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स टेंड टू यूज इंडक्टिव मेथड्स, दैट इज इनसाइट्स इमर्जिंग फ्रॉम डेटा, एंड एक्नॉलेज द रोल ऑफ द रिसर्चर इन शेपिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी. मतलब जो गुणात्मक शोध करता है वो इंडक्टिव मेथड फॉलो करता है, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि जो इनसाइट है वो डेटा से निकले, इसीलिए इसको इमर्जिंग थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी, ये सारे नाम दिए गए हैं. और ये भी एक्नॉलेज किया जाए कि रोल ऑफ रिसर्चर, यानी रिसर्चर का रोल है स्टडी में, रिसर्चर का सेल्फ इंक्लूड होगा स्टडी में, ये बात की जा रही है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में आप डिटैच होकर नहीं रह सकते. इसी से आगे रिफ्लेक्सिविटी निकलेगी, और रिफ्लेक्सिविटी से पहले हम सब्जेक्टिविटी की बात करेंगे कि नन ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्चर्स कैन बी न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स. हम यानी कि कोई भी गुणात्मक अनुसंधानकर्ता जो है वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह नहीं ले सकता कि बस हम न्यूट्रल उदासीन बैठे हैं और किसी भी बात का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ना हो सकता है और ना ही होना चाहिए. Qualitative researchers value the ability to reflect upon and think hard about our own effects on our research. जो गुणात्मक अनुसंधान करता है वो उस ability को value देता है, उस योग्यता को मूल्य देता है जिसमें हम reflect upon and think hard about our own effects on our research. यानी हमारे शोध पर हमारा क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके विषय में वो सोचता है, reflect करता है.
वी कॉल दिस रिफ्लेक्सिविटी, और इसी को रिफ्लेक्सिविटी कहा जाता है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट इन्वॉल्व हुआ वही रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्ट क्या करना है, मतलब स्ववाचक या निजवाचक या आत्मवाचक, जो हम अपना इन्फ्लुएंस रिसर्च पर देख रहे हैं वही रिफ्लेक्सिविटी है। रिफ्लेक्सिविटी क्या है, जनरली इन्वॉल्व्स द सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ हाउ रिसर्च फाइंडिंग्स वर प्रोड्यूस्ड, ये हमारा स्वयं का एक एग्जामिनेशन, एक जांच प्रणाली है जिसमें हम ये देखते हैं कि रिसर्च फाइंडिंग्स कैसे निकल कर आ रही हैं, एंड प्राइमरीली द रोल ऑफ द रिसर्चर इन देयर कंस्ट्रक्शन, और रिसर्चर अनुसंधानकर्ता शोधकर्ता की क्या भूमिका है जो निकल के आ रहा है। भाई आप लोगों से बातचीत करेंगे, आप फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे, आप इंटरव्यूज लेंगे, आप केस स्टडी करेंगे, तो आप तो इन्वॉल्व, आप तो हर जगह इन्वॉल्व हैं, आपने डेटा कलेक्शन में इन्वॉल्व है, डेटा एनालिसिस में इन्वॉल्व है, आप उनसे बातचीत में इन्वॉल्व हैं, आप लिखने इंटरप्रिटेशन में आप इन्वॉल्व हैं, तो आप अपने आप को हटा नहीं सकते हो, हटाना नहीं है, बार बार ये बात हो रही है कि हटाना नहीं भी है। Reflexivity is a set of continuous collaborative and multifaceted practices through which researchers self-consciously critique, appraise and evaluate how their subjectivity and context influence the research processes. यानी कि जो reflexivity है गुणात्मक अनुसंधान में, आप reflexivity ही बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, वो एक सेट है, एक समुच्चय है, किसका, कंटिन्यूअस मतलब सतत चल रही है वो प्रैक्टिस, कोलैबोरेटिव यानी रिसर्चर और रिसर्च पार्टिसिपेंट मिलजुल के, मल्टीफेसेटेड यानी कि आप कई तरीके से उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसमें ये भी है कि जो शोधकर्ता है वो सेल्फ कॉन्शियसली, हम जानबूझ के, मतलब ऐसा नहीं है कि अनकॉन्शियसली चल रहा है, सेल्फ कॉन्शियसली हम अपनी आलोचना भी कर रहे हैं, अपना आकलन भी कर रहे हैं, अपने आप को मूल्य भी दे रहे हैं कि किस प्रकार जो हमारी सब्जेक्टिविटी है और हमारा कंटेक्स्ट है वो रिसर्च की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। वी फ्रेम रिफ्लेक्सिविटी एज अ वे टू एम्ब्रेस एंड वैल्यू रिसर्चर्स सब्जेक्टिविटी, यानी ये दोनों टर्म जुड़े हुए हैं, सब्जेक्टिविटी से ही रिफ्लेक्सिविटी निकली है, या रिफ्लेक्सिविटी किसका परिणाम है, सब्जेक्ट के इंक्लूड होने का ही परिणाम है। तो कह रहे हैं रिफ्लेक्सिविटी को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक तरीका है कि किस प्रकार आप रिसर्चर की सब्जेक्टिविटी को वैल्यू देते हैं। ओके, इंस्टेड वी कंसीव ऑफ रिफ्लेक्सिविटी एज रूटेड इन रेस्पेक्ट फॉर एंड द वैल्यूइंग ऑफ सब्जेक्टिविटी, या आप ये भी कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो रिसर्चर का सब्जेक्ट है आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, उसके प्रति आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। It is part of how qualitative researchers count for the significance of the intertwined personal, interpersonal, methodological and contextual factors that bring research into being. फिर reflexivity is anchored in an orientation that values subjectivity. ये बात हो गई बार बार कि हम subjectivity को value कर रहे हैं, हम researchers से ये कह रहे हैं कि आप अपने influence को explore कीजिए। और सबसे खास बात, we do not conceive reflexivity as an apology for the lack of objectivity in the research project. ये बहुत खास बात है, आपको ये नहीं कहना है कि चूंकि हमारे पास, हम ऑब्जेक्टिव नहीं रह पा रहे हैं तो हम एक क्षमा याचना आपसे कर रहे हैं कि हमारी रिफ्लेक्सिविटी नहीं, रिफ्लेक्सिव होना उस गुणात्मक अनुसंधान की मांग है, आपको इंक्लूड उसमें होना है, डेलिबरेटली आपको इंक्लूड होना है। फ्रॉम ए कंस्ट्रक्शनिज्म पर्सपेक्टिव द गोल इज नॉट टू अचीव एन एक्यूरेट और इम्पार्शियल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायर, आपको एक इम्पार्शियल रिप्रेजेंटेशन लेके नहीं चलना है, ना तो ये संभव है ना ही वांछनीय है। ओके, तो बार बार यही बात हो रही है कि आपको सब्जेक्टिविटी को आपको शेप करना है, आपको रिसर्चर की एबिलिटी, जो रिफ्लेक्सिविटी है वो जुड़ी हुई है किससे, रिसर्चर की योग्यता से, किस तरह से वो कम्युनिकेशन करता है, किस तरह से वो इथिकल डिसीजन ले रहा है, कैसे वो पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस में से रियल वर्ल्ड डेटा को निकाल रहा है। तो एक तरीके से सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हमने उसको रिफ्लेक्सिविटी का नाम दिया है। Or when it is positioned to neutralize the impact of researcher subjectivity, reflexivity refers to the researcher's attempts to take a tabula rasa approach. यानी कि आपको blank slate मिली हुई है और आपको a perspective of objective distance from which to study a phenomena afresh. This neutralizing work is, for example, approached in transcendental phenomenology via bracketing. Bracketing is a process through which researchers attempt to set aside any aspects of themselves that might influence their study. पहले शुरुआत में ये बात हो रही थी जब रिफ्लेक्सिविटी को इतना ध्यान नहीं दिया गया, जब उसको इतनी वैल्यू नहीं दी गई, जब सब्जेक्टिविटी को गलत माना जाता था रिसर्च में, तो उन्होंने कहा, वो कहा जाता था ब्रैकेटिंग, आप ब्रैकेट जैसे नहीं, ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए सबको, तो आप अपने सब्जेक्ट को ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए, ये कहा जाता था, लेकिन कि आपका सेल्फ उसको प्रभावित ना करे। लेकिन जैसे जैसे एंथ्रोपोलॉजी में इस तरीके की रिसर्चेस हुई, तो उन्होंने कहा आपको सोशल ग्रुप स्टडी करना है तो आप इस तरह से डिटैच होकर काम नहीं कर सकते, इसलिए सब्जेक्टिविटी को वैल्यू दीजिए। ओके, तो इसके कई डायमेंशन हो सकते हैं, जैसे पर्सनल रिफ्लेक्सिविटी requires researchers to reflect on and clarify their expectations, assumptions and conscious and unconscious reactions to context, participants and data. यानी कि हमको जब अपने ऊपर हम ध्यान दें, अपने ऊपर आप डिलीवरेटली सोचिए, रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए,
चिंतन कीजिए कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, आप क्या मान के चले हैं, आप क्या कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रिलेशन आपका कंटेक्स्ट से है, ये पर्सनल रिफ्लेक्सिविटी हो जाएगी और किस तरीके से वो प्रोजेक्ट की फाइंडिंग को प्रभावित करेगा। फिर इंटरपर्सनल रिफ्लेक्टिविटी यानी दो लोगों के बीच में, यानी कि इट रिफर्स हाउ द रिलेशनशिप सराउंडिंग द रिसर्च प्रोसेस इन्फ्लुएंस द कंटेक्स्ट प्रॉपर इन्वॉल्व इन रिजल्ट्स, पीपल इन्वॉल्व होना चाहिए एंड रिजल्ट, है ना, कि जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के बीच में, या पार्टिसिपेंट का आपस का जो इंटरपर्सनल रिफ्लेक्सिविटी, सब लोग देखते रहे, फोकस ग्रुप डिस्कशन में बात हो रही है तो हम समझते रहे हमारी वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है दूसरे की वैल्यूज के साथ, ये सब पे रिफ्लेक्शन करना कैसे, क्यों ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो पार्टिसिपेंट है उस तरह से समझ नहीं रहा है तो उस तरह से उत्तर नहीं देगा तो सब गलत गलत रिजल्ट आएगा। इसका मतलब कि ये सारी चीजों पे रिफ्लेक्ट ऑन करने की जरूरत है, आपका कितना बायस इन्वॉल्व है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, और मेथडोलॉजिकल रिफ्लेक्टिविटी यानी आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा थ्योरेटिकल आप अंडरस्टैंडिंग है, कौन से पैराडाइम को आप सही मान रहे हैं कि उसके तहत आप मेथडोलॉजिकल डिसीजन मेकिंग क्या है, इन पर रिफ्लेक्ट ऑन करना, रिफ्लेक्ट अपॉन करना ही मेथडोलॉजिकल रिफ्लेक्सिविटी है। कंटेक्चुअल रिफ्लेक्सिविटी का मतलब कि जो भी आप स्टडी करने जा रहे हैं वो किसी ना किसी कंटेक्स्ट में है, किसी ना किसी सेटिंग में है, कोई ना कोई कल्चरल और हिस्टोरिकल उसका कंटेक्स्ट है, तो हमको ये भी ध्यान देना होगा कि हाउ द रिसर्च क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स आर एम्बेडेड इन एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सोशल फील्ड ऑफ अजम्पशंस एंड प्रैक्टिसेस, कि किसी पर्टिकुलर सोशल सेटिंग में वो बात सही बैठ रही है, दूसरे में नहीं सही बैठेगी, तो वो देखना पड़ेगा अच्छा चूंकि कंटेक्स्ट ये था इसलिए निकल के आया। तो कंटेक्चुअल रिफ्लेक्सिविटी ऑल्सो इंटेल्स अंडरस्टैंडिंग हाउ रिसर्च ट्रांसफॉर्म्स द सोशल फील्ड इन विच इट इज कंडक्टेड इन वेज दैट आर बोथ इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड, यानी जानबूझ के भी और विदाउट बिना जाने भी वो सोशल फील्ड है एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंटेक्स्ट बदल जा रहा है बार बार, तो इस पर हमको ध्यान देना है, रिफ्लेक्ट करना है, चिंतन करना है। एपिस्टेमोलॉजिकल रिफ्लेक्सिविटी यानी कि आपको देखना है कि रीथिंकिंग अजम्पशंस एंड इम्प्लिकेशंस, हमको मूलभूत मान्यताओं को फिर से सोचना है कि किस कि हम कौन सा रिसर्च क्वेश्चन कैसे यूज करें, डेटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट क्या लें, कौन से उनके अंदर अंतर्निहित एपिस्टेमोलॉजिकल अजम्पशंस हैं, क्या आपने मान के चला है कि ज्ञान यानी नॉलेज को, डेटा को आप कैसे निकालेंगे। फिर फेमिनिस्ट रिफ्लेक्सिविटी मतलब रेसिप्रोसिटी इन रिसर्च, यानी कि हम पार्टिसिपेंट को प्रभावित करेंगे, पार्टिसिपेंट हमको प्रभावित करेगा, द रिसर्चर पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप हैज द पोटेंशियल टू बी रेसिप्रोकल, आप कुछ सुनेंगे द्रवित हो जाएगा आपका हृदय, आपकी बातों से वो मुखरित हो जाएंगे कि नहीं हमें बोलना है, हमें बताना है, हमें छुपा के नहीं रखना है, ये बात बाहर निकल कर आनी चाहिए, इस तरीके का आपको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के बीच में होना चाहिए। और क्रिटिकल रिफ्लेक्सिविटी अनरेवलिंग पॉलिटिकल एंड सोशल कंस्ट्रक्शन इन रिसर्च, तो ये क्रिटिकल रिफ्लेक्सिविटी हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत एक आध चीज़ों को मैंने लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ा, आप उसे पढ़ लीजिए एक मिनट से स्लो करके कि रिफ्लेक्सिव मेन स्टांस क्या है, मेन स्टांस क्या है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स हैं वो कहती थी कि आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, आपको अपना सेल्फ इंक्लूड नहीं करना है। तो शुरुआत के दिनों में, शुरुआती दौर में क्वालिटेटिव रिसर्चर्स भी ऐसे ही चलने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में पाया गया कि इस तरह से आप विदाउट सब्जेक्ट इन्वॉल्व हुए तो आप आ ही नहीं सकते, आपने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं उसमें आपका सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, आप जो उनसे बातचीत कर रहे हैं उसमें आपके बायसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, फिर जो निकल कर आ रहा है, जो आप उनसे निगोशिएटेड बातचीत कर रहे हैं, आउटकम जो आप फाइंडिंग्स लिख रहे हैं, सब में आपका सेल्फ इन्वॉल्व है, तो आप इसको अपोलॉजी मत मानिए, आप इसको इसका पॉजिटिविटी मानिए कि हम अपने सेल्फ को उनके साथ इन्वॉल्व करके ताकि आप और पार्टिसिपेंट एक लेवल पे आ जाएं, आप जो बोल रहे हैं वही वो समझें और वो जो बोल रहे हैं वही आप समझें, तभी सही बातें निकल कर आएंगी। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिविटी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का एक बहुत खास हिस्सा है, बहुत खास अंग है, बहुत खास मानदंड है, इसको आप क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि किस तरह से आप रिसर्च फाइंडिंग को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बैलेंसिंग इसमें चाहिए कि आपको ये इस तरह से भी नहीं करना है कि पूरा का पूरा आप अपने ऊपर ही रिसर्च करके उसको लिख दे रहे हैं, आपको उनको पूरा पार्टिसिपेंट को ये स्कोप देना है कि उनका सच निकल कर सामने आए, उनके अनुभव निकल कर सामने आए। तो ये बहुत टिपिकल बैलेंसिंग है, कहाँ आपको इन्वॉल्व होना है, कहाँ आपको फील्ड से हट जाना है, कहाँ आपको इन्वॉल्व होना है, कहाँ आपको डिटैच होना है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से और फील्ड वर्क में करने के बाद आएगा। तो इसी तरह ये कह रहा है कि एज रिसर्चर्स वी नीड टू बी कॉग्निजेंट, हमको ये संज्ञान में रखना चाहिए कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, किसमें, मीनिंग में, मेकिंग में, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेकिंग में, एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस throughout the research process. We need to acknowledge, हमको इसकी इसका acknowledge करना चाहिए इस बात को, it is impossible to remain outside of one study topic. अरे आपने topic ही आपने लिया है तो आप तो उससे outside हो ही नहीं सकते, आप तो हर समय आपके दिमाग में वो topic चल रहा है. Reflexivity pertains to the analytic attention to the researcher's role in qualitative research.
रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि जो आप विश्लेषणात्मक अटेंशन है, जो रिसर्चर का जो रोल है क्वालिटेटिव रिसर्च में, वो रिफ्लेक्सिविटी है। इट इज बोथ ए कंसेप्ट एंड ए प्रोसेस। ये एक संप्रत्यय भी है और ये एक प्रक्रिया भी है। अगर ये संप्रत्यय है तो इसका मतलब है कि एक लेवल की कॉन्शियसनेस है, इसके आपके दिमाग में रहे आपको कितना इन्वॉल्व होना है, कितना डिटैच होना है, और इन्वॉल्व होना जरूरी है तो इन्वॉल्व हो रहे हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि अब आप प्रभावित कर देंगे उनके मुद्दों को, वहाँ आप हट जाइए। रिफ्लेक्सिविटी इंटेल्स सेल्फ अवेयरनेस, यानी हम अपना ध्यान रखें, अपने ऊपर ध्यान रखें कि हम अवेयर हैं, विच मीन्स बीइंग एक्टिवली इन्वॉल्व इन द रिसर्च प्रोसेस, यानी कि आप रिसर्च प्रोसेस में हर समय लगे हुए हैं। इट इज अबाउट द रिकॉग्निशन दैट एज अ रिसर्चर वी आर पार्ट ऑफ द सोशल वर्ल्ड दैट वी स्टडी। इसमें ये भी खास बात है कि हम भी तो उसी सोशल वर्ल्ड का हिस्सा है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसकी भी पहचान होनी चाहिए। और अगर आप इसको प्रोसेस मान रहे हैं तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन है ऑन द रोल ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द रिसर्च प्रोसेस। देखिए, इसीलिए मैंने सब्जेक्टिविटी का अलग वीडियो नहीं बना रही हूँ आपसे, सब्जेक्टिविटी को ही रिफ्लेक्सिविटी के रूप में हम पहचान दे रहे हैं कि जो व्यक्ति निष्ठता है उसकी गुणात्मक अनुसंधान प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अंतर्दर्शन कीजिए कि अगर आप ये प्रश्न पूछ के बजाय ये पूछते तो ये उत्तर मिलता, कल हम अपने प्रश्न को इस तरह से मोल्ड कर देंगे तो हमको ये उत्तर मिल सकने की संभावना है। It is a continuous process of reflection by researchers on their values and of recognizing, examining and understanding how their social background, location and assumptions affect their research practice. ये बार बार हम अपने ऊपर reflection करते रहें कि किस तरीके से हम social background को पहचान रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सारा assumption हमारे research practice को और ultimately हमारी research finding को प्रभावित करेगा। The key to reflexivity is to make the relationship between and the influence of the researcher and the participants explicit. अब हमने छुपा के नहीं रखा है, हमने एक्सप्लिसिट कर दिया है हमारा और हमारे रिसर्च पार्टिसिपेंट के बीच का जो अंतर संबंध है। प्रैक्टिसिंग रिफ्लेक्सिविटी इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, और गुणात्मक अनुसंधान की एक बहुत विशिष्ट एक घटक है कि हमको रिफ्लेक्सिव होना है। थ्रू रिफ्लेक्सिविटी वी बिकम अवेयर ऑफ अवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग्स एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस। और रिफ्लेक्सिविटी के द्वारा हम अवेयर होते हैं अपने योगदान में, जो कि हम मीनिंग मेकिंग में, जो कि फाइंडिंग में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस हमारा जो जीवित अनुभव, जो लाइफ एक्सपीरियंस हम अनुभव कर रहे हैं, उसके अवेयरनेस के लिए रिफ्लेक्सिविटी जरूरी है। तो ये है रिफ्लेक्सिविटी इन क्वालिटेटिव रिसर्च। सब्जेक्टिविटी, आप ऑब्जेक्टिव रह नहीं सकते, आपको सब्जेक्टिव होना है। फिर आपको कितनी बैलेंसिंग से सब्जेक्टिव होना है, कितना इन्वॉल्व होना है, कितना डिटैच होना है, और आपको सेल्फ अवेयर रहना है कि आपका क्या रोल है कॉन्ट्रीब्यूशन में, आपने किस तरह से आपके एजम्पशंस जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं। यही रिकॉग्निशन, यही वैल्यू देना, रोल ऑफ रिसर्चर इन क्वालिटेटिव रिसर्च ही एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी। ओके, तो रिफ्लेक्सिविटी ऐसे इंग्लिश में बोलना ही अच्छा लगता है, आप इंग्लिश हिंदी में लिखते वक्त भी रिफ्लेक्सिविटी डाल के हेडिंग करके बात कर सकते हैं, है ना। तो इन दिस वे इट इज द टर्म रिफ्लेक्सिविटी और द क्राइटेरिया रिफ्लेक्सिविटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्चेस। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वन। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।